370 किलोमीटर हम मध्य प्रदेश में चले, उससे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र से ये यात्रा निकली और अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जाएगी और फिर श्रीनगर में हम ये जो तिरंगा है उसको लहराएंगे। ये जब हमने ये यात्रा शुरू की तो काफी लोगों ने हमें कहा, बातचीत हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, तो काफी लोगों ने कहा कि देखिए इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए। दिग्विजय जी हैं यहां पे, उनको याद होगा जब दिग्विजय जी और बाकी लोगों ने कहा कि इस यात्रा को गाड़ी में करना चाहिए, तो मैंने कहा अगर आप यात्रा को गाड़ी में करवाना चाहते हैं तो मैं आपका आदमी नहीं हूं, फिर आपको किसी और से करवानी पड़ेगी। अगर यात्रा पैदल करनी है तो फिर मैं यात्रा करने के लिए तैयार हूं। और इसके पीछे मेरी सोच थी सोच ये थी कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में जो हमारे राजनेता हैं, और मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, जो हमारे राजनेता हैं उनके बीच में और जनता के बीच में बहुत दूरी हो गई है। राजनेता कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं, हमारे तरीके से उड़न खटोला बोल दो उसमें, उसको उड़न खटोले में आते हैं, कभी गाड़ी में आते हैं। और मैंने सोचा कि 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है, हिंदुस्तान के किसानों से बात करनी है, उनकी इज्जत करनी है, युवाओं की इज्जत करनी है, मजदूरों की इज्जत करनी है, तो पैदल चलने की जरूरत है। जैसे जैसे हिंदुस्तान की आम जनता सड़कों पे चलती है वैसे ही हमें करना चाहिए। काफी लोगों ने उस समय कहा कि नहीं, बहुत लंबा है, 3,700 किलोमीटर है, मुश्किल हो जाएगी, कैसे चला जाएगा। हमने कहा नहीं, हम रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं, चला जाए तो चला जाए, नहीं चला जाए तो रुक जाएंगे। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।